A reaction is called redox if it involves reduction and oxidation. दूसरा पॉइंट लिखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. बोला सको उसको बुला के न्यू लाइट वाले को. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. आगे लिखें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. Increase in oxidation number is called oxidation. Or decrease in oxidation number is called reduction. अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है तो कहेंगे रिडक्शन हो रहा है. रेडॉक्स रिएक्शन मतलब रेड ऑक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. तो दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन, और दोनों को कंबाइन कर दें तो रेडॉक्स रिएक्शन. इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन, लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन. आवाज क्लियर आ रही है? और अगर ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में देखें तो लॉस ऑफ सॉरी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन. चौथा पॉइंट लिखें द सब्सटेंस और कंपाउंड और आयन अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इन ए रिडॉक्स रिएक्शन is called the substance या compound या ion undergoing oxidation in a redox reaction is called reducing agent. या reductant. The substance oblique compound oblique ion undergoing oxidation in a redox reaction is called reducing agent or reductant. The substance oblique compound or ion undergoing reduction in a redox reaction
is called oxidizing agent. Oxidizing agent oblique oxidant. जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट. जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इस सारी प्रक्रिया को एक एग्जांपल से समझेंगे. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स रिडक्शन. तो एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम प्लस फ्लोरीन इज इक्वल टू सोडियम फ्लोराइड. ये एक बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है. अब इसमें अगर हम गौर करें तो सोडियम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाए, क्योंकि सोडियम मेटल है और मेटल का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना उसका नेचर होता है. और जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. जो नॉन मेटल्स होते हैं, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है, मेटल्स. और जो हेलोजन्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन. इसके अलावा ऑक्सीजन फैमिली के भी एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस भी नॉन मेटल्स हैं. जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं, और एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये सारा मेटल्स है. हाइड्रोजन को अगर छोड़ दो, हाइड्रोजन एस ब्लॉक में है. हाइड्रोजन किस में है? एस ब्लॉक में. पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स को चार ब्लॉक में डिवाइड किया गया है. आवाज सबको क्लियर आ रही है? क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आवाज शायद क्लियर ना आ रही हो, इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा. ठीक, तो एलिमेंट्स को चार ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. इनमें से जो एस ब्लॉक है उसमें हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी मेटल्स हैं, और डी एफ ब्लॉक पूरा मेटल से भरा पड़ा है, और जो पी ब्लॉक है उसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं. तो आपको जल्दी से पीरियडिक टेबल का आइडिया दे देते हैं. ग्रुप फर्स्ट ए और सेकेंड ए. ग्रुप फर्स्ट ए को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स. और ग्रुप सेकेंड ए को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. और यही कहलाता है एस ब्लॉक. फर्स्ट ए और सेकेंड ए में आने वाले एलिमेंट्स एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं. तो एल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम. और इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम. ये सभी मेटल्स हैं. हाइड्रोजन को मैंने मेंशन नहीं किया है, हाइड्रोजन जो है ऊपर है जो कि नॉन मेटल है. तो ये एल्कली मेटल्स, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. यहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा एस्पेक्ट कवर करना है आज की क्लास में. तो ऑक्सीडेशन नंबर इन एलिमेंट्स की देख लें. ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज. ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज. जैसे सोडियम है, तो सोडियम जब भी चार्ज क्रिएट करेगा तो प्लस वन का चार्ज क्रिएट करेगा. जैसे कैल्शियम है, जब भी चार्ज क्रिएट करेगा तो प्लस टू का चार्ज क्रिएट करेगा.
क्योंकि ये फर्स्ट ए का है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सेकेंड ए का है तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो सोडियम या कैल्शियम ऐसी अदर एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनमें ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन या प्लस टू होगी। एल्कली मेटल्स की प्लस वन होगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्लस टू होगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर एल्कली मेटल्स की प्लस वन और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्लस टू होगी कंपाउंड्स में। लेकिन फ्री स्टेट में तो जीरो होगी, फ्री स्टेट में जीरो होगी। अगर सोडियम अकेला है, किसी से कंबाइन नहीं किया है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। Na+ के पास चेक करो, Na+ के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 हैं। प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए नेट में इस पर एक प्लस चार्ज होगा। भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन अगर Na प्लस हो गया, प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, 11 से 10 हो गए। लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं और न्यूक्लियस तो इंटैक्ट रहता है। तो सोडियम जब फ्री स्टेट में है तो उसके पास कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में जीरो। कैल्शियम, कैल्शियम का क्या मामला है? देखो कैल्शियम का मामला है BCA40, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20। प्रोटॉन कितने हैं? 20। और अगर हम कहें इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 18। और प्रोटॉन कितने हैं? 20। तो आप समझ गए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। वास्तव में चार्ज, चार्ज ही ऑक्सीडेशन नंबर है। एलिमेंट में जो भी चार्ज डेवलप हुआ वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो एल्कली मेटल्स की प्लस वन होगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्लस टू होगी। ये एस ब्लॉक हो गया। अब अगर हम लोग पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में क्या आएगा? ग्रुप थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और जीरो। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ग्रुपिंग की गई है। यहां लिख देते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। और यहां लिखेंगे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। इसमें लिखेंगे कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिफ्थ में क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। और सिक्स्थ में क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सेवेंथ में क्या लिखेंगे? FCl, Br, I, एस्टेटीन। अब नॉर्मली आपको पता होगा कि थर्ड ए के एलिमेंट की वैलेंसी जो है 3 होती है, फोर्थ ए के एलिमेंट की वैलेंसी 4 होती है, फिफ्थ ए के एलिमेंट की वैलेंसी 3 और 5 होती है, सिक्स्थ ए के एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है, सेवेंथ ए के एलिमेंट्स की वैलेंसी 1, 3, 5, 7 होती है। तो ये सब डिटेल पढ़ना अभी तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा।
तो यहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में बात करें, जो फ्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। कारण यह है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं 2-7। तो फ्लोरीन जब भी किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, फ्लोरीन जब भी किसी एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, उसका एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उस पर -1 का चार्ज डेवलप होगा, इसीलिए फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर उसके सभी कंपाउंड्स में -1 होती है। तो क्या लिखेंगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन ऑल इट्स कंपाउंड्स इज -1। कोई भी उसका कंपाउंड होगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर उसकी -1 होगी, एक्सेप्ट इन F2 वेयर इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। F2 में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। F2 में 0 क्यों होगी, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड के बनने में जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हुआ है वो ठीक बीच में होगा, तो किसी भी एटम पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, इसीलिए फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर F2 में 0। एक्चुअली जो फ्लोरीन है वो अगर नेचर में देखो तो कैसे पाया जाता है, F2 के रूप में पाया जाता है। तो फ्री स्टेट का मतलब क्या है, फ्री स्टेट का मतलब है या तो एलिमेंट ने किसी से कंबाइन ना किया हो या खुद से कंबाइन किया हो। जैसे सोडियम की फ्री स्टेट क्या है, Na, कैल्शियम की फ्री स्टेट Ca, लेकिन फ्लोरीन की फ्री स्टेट F नहीं है, F2 है। ऐसे क्लोरीन की फ्री स्टेट Cl2 है, ब्रोमीन की फ्री स्टेट Br2 है, आयोडीन की फ्री स्टेट I2 है, लेकिन कैल्शियम की फ्री स्टेट, मैग्नीशियम की फ्री स्टेट CaMg। तो हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए कि फ्लोरीन फ्री स्टेट में किस रूप में एग्जिस्ट करता है। मार्केट में आप जाओगे फ्लोरीन लेने तो आपको F एटम नहीं मिलेगा मार्केट में, क्या F एटम नहीं आते हैं, हाँ F2 मिल जाएगा, F2 गैस है, सिलेंडर में पड़ी होगी गैस। अब जैसे मान लो कोई कंपाउंड है Ca5 PO4 का होल थ्राइस F, अब ये कंपाउंड है, हमें इस कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमसे पूछा गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन क्या है इस कंपाउंड में, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम की +2 है, फ्लोरीन की -1 है, क्योंकि हम लोग को पता है कि इस कंपाउंड में कैल्शियम पर +2 चार्ज होगा, फ्लोरीन पे -1 चार्ज होगा। अब इस कंपाउंड को थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, CaF2 और Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फ्लोराइड है, ये कैल्शियम फास्फेट है, और अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, Ca10 PO4 का होल 6 और F2 आएगा। अब जरा इसमें देखना CaF2 तो है ही, तो हम इसमें कैल्शियम कितने देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं, तो कैल्शियम 10 कैसे आएंगे, जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो कैल्शियम 10 आ पाएंगे। देखो 3 × 3 = 9 और 1 = 10 हो गए, मतलब ये जो कंपाउंड लिखा गया है वास्तव में इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये है, लेकिन इसमें 2 से भाग दे दिया गया इसलिए इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया गया, और इसका मामला वास्तव में ऐसे है
समझ गए बात आप? तो अब ये क्या है, ये वास्तव में कैल्शियम आयन है और टू फ्लोराइड आयन है। और ये वास्तव में क्या है, अगर हम तीन बाहर रखें तो तीन कैल्शियम आयन है और टू फॉस्फेट आयन है। तो अब आप देखो कैल्शियम पे प्लस टू चार्ज है, फ्लोरीन पे माइनस वन चार्ज है, तो कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू, फ्लोरीन की माइनस वन। लेकिन इतना सब डिटेल जानना अभी हम लोग के लिए जरूरी नहीं है, इसीलिए जब हमारे पास ये सवाल आया तो हमें घबराना नहीं है, रूल्स देखने। रूल्स क्या कहता है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू होगी उसके सभी कंपाउंड्स में, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होगी उसके सभी कंपाउंड्स। बाकी उसकी गहराई में जाना है तो पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद समझना पड़ेगा कि ये क्या वाला है, इन दोनों का मिक्सचर है वास्तव में। आपके सामने कोई सब्जी आई, पता लगा ये तो कई सब्जियों को मिला के बनाई गई है, ऐसी कोई कंपाउंड आया पता लगा वो दो अलग अलग कंपाउंड का मिक्सचर है, आपके पास कोई जूस बन के आया पता लगा वो जो है एक एप्पल है और तीन मान लो पपीते मिला के बनाया गया जूस, और देखने में तो जूस लग रहा ना सिंपली, ऐसे ही दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है वो। ठीक है बेटा। अच्छा अब इसमें एक मामला ये आता है, जैसे क्लोरीन है या मान लो ब्रोमीन है, आयोडीन है, अगर पूछा जाए इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होगी। ऐसे मान लो सल्फर है या सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ग्रुप नंबर के बराबर होगी। या जैसे फास्फोरस आर्सेनिक वगैरह है, इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होगी। तो ये बात मेंशन करें। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। अलग अलग एलिमेंट्स बहुत सारी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स बहुत सारी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं, जैसे H2S है या मान लो SF2 है या सपोज SOF2 है या सपोज SO3 है, ये हमने सल्फर के चार कंपाउंड्स लिखे H2S, SF2, SOF2, SO3, ये सल्फर के हमने चार कंपाउंड लिखे। अब इन चारों कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर देखनी है। तो किसी स्ट्रक्चर में जब हम किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होना चाहिए। हम किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी एलिमेंट की जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम हर बॉन्ड को देखेंगे और उस बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को माइनस साइन दे देंगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लस साइन दे देंगे। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को माइनस साइन, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लस साइन। और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स वन है तो वन यूनिट का चार्ज दे देंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू है दो एटम के बीच में तो टू यूनिट का चार्ज, नंबर ऑफ बॉन्ड्स तीन है तो तीन यूनिट का चार्ज। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास HOOC लिखा है, ये डबल बॉन्ड N प्लस और ये डबल बॉन्ड O इधर आए, O इधर लिखा है C, यहां लिख दिया हमने सिंगल बॉन्ड N, ये लिख दिया F और ये लिख दिया हमने H, और इधर लिख दिया डबल बॉन्ड N और यहां पे लिख दिया माइनस, और सपोज यहां हमने कर दिया प्लस C
और ट्रिपल बॉन्ड एन। ये सपोज हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में हमें हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। इस स्ट्रक्चर में हम लोग को हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? द पावर ऑफ एन एलिमेंट विद विच इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ। द पावर ऑफ एन एलिमेंट विद विच इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ इन बॉन्डेड स्टेट। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वो पावर है जिससे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बॉन्डेड स्टेट में। किसी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर। तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके ऊपर हाइड्रोजन, पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने वेरियस एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लिया और हाइड्रोजन की वैल्यू 2.1 रख दी कि हाइड्रोजन तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज से 2.1 है। और एक फार्मूले के आधार पे उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट की। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की, ये है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग याद कर लें, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा आई। अब ये वैल्यूज कैसे आई, कौन सा फार्मूला था, हाइड्रोजन को रेफरेंस क्यों माना, उसकी ये वैल्यू क्यों दी, इन सारी बातों का जवाब हम लोग अभी नहीं समझेंगे। ये पीरियाडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो वहां ये सारे सवालात के जवाब आएंगे। तो आपसे पूछा गया कि भैया पॉलिंग स्केल पर किसको रेफरेंस माना गया है, हाइड्रोजन को, उसकी वैल्यू कितनी असाइन की थी, 2.1, और बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। तो इनकी हम लोग याद कर लेंगे, 1, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, फ्लोरीन की 4 है, यानी नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग बराबर है, क्योंकि ये वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं लिखी है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्ट 4 नहीं आती है, वो हम लोग याद करने के लिए 4 लिख लेते हैं, 3.98 समथिंग है। ऐसी सिलिकन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.8 है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो अब यहां जो इतने एलिमेंट्स लिखे हैं, इनमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? एच, उससे ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। देखिए कैसे, हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, इसकी 4। तो किसी भी स्ट्रक्चर में
हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना चाहेंगे तो हम हर बॉन्ड को देखेंगे, इसको इसको इसको, हर बॉन्ड को देखेंगे, और उस बॉन्ड में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको माइनस साइन दे देंगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लस साइन, और अगर एक बॉन्ड है तो वन यूनिट का चार्ज दे देंगे, दो बॉन्ड है तो टू यूनिट का चार्ज, तीन बॉन्ड है तो तीन यूनिट का चार्ज। तो इस बॉन्ड को देखो, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड है, माइनस वन प्लस वन। इस बॉन्ड को देखो, जीरो जीरो, सेम एटम्स है, जीरो जीरो, इसको देखो माइनस वन प्लस वन, इसको देखो एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस टू प्लस टू, इसको देखो माइनस टू प्लस टू, इसको देखिए माइनस वन प्लस वन, इसको देखिए माइनस वन प्लस वन, इसको देखिए माइनस तीन प्लस तीन, ऐसे इसको देखो माइनस वन प्लस वन, इसको देखो माइनस टू प्लस टू, इसको देखो माइनस वन प्लस वन, इसको देखिए माइनस वन प्लस वन, इसको देखिए माइनस वन प्लस वन। किसी स्ट्रक्चर में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो तो आपको हर बॉन्ड को देखना है, या उस एलिमेंट के साथ जो भी बॉन्ड लगे हैं उनको देखना है, और आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को माइनस साइन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लस साइन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के आधार पे वैल्यू रख देनी है। तो अब जैसे इस स्ट्रक्चर में सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हम लोग, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या क्या है, प्लस वन प्लस वन, तो प्लस वन है, ओ की बताइए माइनस वन माइनस वन, माइनस टू, यहां कितनी है माइनस टू, क्योंकि प्लस वन और माइनस वन जीरो हो गया ना बेटा, पहले से भी प्लस चार्ज था ना। एन की देखो, एन की यहां कितनी है प्लस वन, यहां प्लस वन है, इधर देखिए यहां कितनी है माइनस वन, यहां कितनी है माइनस तीन, यहां माइनस तीन, चेक कर लीजिए। किसी को भी जहां दिक्कत हो पूछ लें, फ्लोरीन की माइनस वन, कार्बन की इधर कितनी है प्लस फोर, इधर कितनी है प्लस फोर, इधर कितनी है प्लस फोर, तो जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है उसी की आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आ रही है। तो ऐसे में एवरेज भी पूछी जाती है कि बताओ इसमें नाइट्रोजन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो कैसे निकालोगे, चारों जोड़ दोगे चार से भाग दे दोगे, ऑक्सीजन में देखो चारों जोड़ दोगे चार से भाग दे दोगे। तो अगर आपसे पूछा गया इसमें कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बताइए कितनी आएगी, प्लस वन माइनस तीन माइनस तीन, चारों को जोड़ो और चार से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा माइनस सिक्स बाई फोर आएगा,
ऐसे ही ऑक्सीजन की बताओ क्या आएगी, माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू, दो दो चार दो छह, माइनस सिक्स बाई फोर आया, चेक कर लीजिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के दो रास्ते होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा रूल्स, दोनों का मिला जुला इफेक्ट हमें पढ़ना होता है, दोनों ही चीजें जाननी होती है, स्ट्रक्चर भी और रूल्स भी। अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो इस तरीके से निकालेंगे, स्ट्रक्चर ना पता हो रूल्स की हेल्प ले लेंगे। अब स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना होता है, स्ट्रक्चर में वैलेंसी देखनी होती है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाते समय वैलेंसी देखनी होती है। जैसे लिथियम है उसकी वैलेंसी वन होती है, बेरिलियम की वैलेंसी दो होती है, बोरॉन की वैलेंसी तीन होती है, कार्बन की वैलेंसी चार होती है, इनके एटॉमिक नंबर लिखो, तीन चार पांच छ। इसके बाद नाइट्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, तीन, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो और फ्लोरीन की वैलेंसी वन। इनके पास इलेक्ट्रॉन देखो, सात इलेक्ट्रॉन, आठ इलेक्ट्रॉन, नौ इलेक्ट्रॉन, तो इतना आपको अगर ज्ञान है तो काफी सहारा मिल जाएगा स्ट्रक्चर बनाने में। जैसे कार्बन प्लस की हमें वैलेंसी निकालनी है, तो कार्बन के पास है छह इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वैलेंसी चार है, लेकिन कार्बन प्लस के पास कितने होंगे, पांच इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब वैलेंसी कितनी हो गई, तीन। कार्बन माइनस की वैलेंसी देखो कितनी होगी, कार्बन के पास छह इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सी माइनस के पास होंगे सात इलेक्ट्रॉन्स, और सात इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंसी तीन। ओ प्लस की वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीजन के पास आठ इलेक्ट्रॉन है, तो O प्लस के पास होंगे सात इलेक्ट्रॉन, O प्लस की वैलेंसी तीन। O माइनस की वैलेंसी, तो O के पास है आठ इलेक्ट्रॉन, तो O माइनस के पास नौ इलेक्ट्रॉन, नौ वाली की वैलेंसी वन। N प्लस की वैलेंसी, N के पास सात इलेक्ट्रॉन है, N प्लस के पास होंगे छह इलेक्ट्रॉन, और छह इलेक्ट्रॉन वाले की वैलेंसी चार है। N माइनस की वैलेंसी, दो। तो इस तरह से आपको अगर वैलेंसीज का आइडिया होगा तो जब हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाने में कामयाब हो सकते हैं। बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर, बिना केमिकल बॉन्डिंग, बिना पीरियडिक टेबल पढ़े अगर हम स्ट्रक्चर बना सकें तो बहुत बड़ी बात है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के टॉपिक में हमें अक्सर स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ सकता है, उसके लिए वैलेंसी का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो आप इस स्ट्रक्चर में देखो हर एलिमेंट की वैलेंसी सही है कि नहीं है। जैसे देखिए H की वैलेंसी वन होती है, O की देखिए दो है, C की देखिए चार है। अब N प्लस है, जरा गौर करना, N प्लस है, N प्लस की वैलेंसी कितनी बताई थी, चार, देखो चार है कि नहीं है। और O की वैलेंसी देखो दो है, N की वैलेंसी देखिए तीन है, एन माइनस की वैलेंसी कितनी बताई थी, दो, और ओ प्लस की वैलेंसी
तीन बताई थी। तो इस स्ट्रक्चर में आपको देखना है क्या हर एलिमेंट की वैलेंसी सही है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखे हैं, तो सल्फर की वैलेंसी यहां कितनी है? दो। और सल्फर किस परिवार का है? ऑक्सीजन परिवार का है। बताइए सल्फर किस परिवार का है? ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है। ये देखिए, तो सल्फर की वैलेंसी क्या होती है? दो होती है, चार होती है, छह होती है। तो यहां दो है, वैलेंसी दो है, यहां देखिए चार है, यहां देखिए छह है। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी देखिए दो है कि नहीं। तो अब जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो माइनस वन प्लस वन। तो आपको सल्फर को सर आपने माइनस क्यों दिया? क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन परिवार का है और ऑक्सीजन सेकंड नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नंबर वन का कौन है? फ्लोरीन। नंबर टू का ऑक्सीजन। तो सल्फर है तो उसी परिवार का, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंदाजा लगाओगे तो एच से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। भले आपको पता नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमने वैल्यूज लिखी थी उसमें हमने मेरे ख्याल से आगे लिखा था। ये देखिए सल्फर की हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां मेंशन की है? हर एक की थोड़ा याद रख सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि सल्फर इसी परिवार का है। तो माइनस वन प्लस वन, इधर देखिए माइनस वन प्लस, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज माइनस टू। इसमें देखिए माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या आ गई? प्लस टू। ऐसे इसमें देखो माइनस टू प्लस टू, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, सल्फर की क्या आ गई? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस फोर आ गई। इसमें कितनी आ जाएगी? माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस सिक्स आ इतना क्लियर है? अब एक बार फिर से हम लोग आते हैं इस रिएक्शन को। देखिए सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, मतलब सोडियम का क्या हो रहा है बताइए? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों बेटा? और F2 का रिडक्शन हो रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, F2 का रिडक्शन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में देखो, सोडियम क्या जीरो होगी क्या बेटा? और इसमें कितनी होगी? प्लस वन होगी कि नहीं होगी? और फ्लोरीन की कितनी है? माइनस वन, और यहां फ्लोरीन की जीरो। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, मतलब फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ये बात क्लियर होगी बेटा? अच्छा, जैसे फास्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? प्लस पांच। आर्सेनिक की प्लस पांच। सिलिकन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पांच। नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पांच। लेकिन ऑक्सीजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर प्लस छह नहीं होती है। यानी ये जो रूल है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, ये सभी एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑक्सीजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स क्यों नहीं होती है उसको समझना पड़ेगा। लेकिन जनरली ये रूल लग जाता है कि किसी एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर? ग्रुप नंबर के बराबर। उसके बाद द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज जीरो एंड इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज जीरो एंड इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस टू इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स। The oxidation number of oxygen is minus 2 in most of its compounds. अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास वाटर है H2O, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये तो नाम है इसका, हाइड्रोजन ऑक्साइड। अगर हम इसमें से 2H+ निकाल दें, इसमें से 2H+ निकाल दें तो क्या बचेगा? O2-, तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड आयन। हाइड्रोजन ऑक्साइड में से अगर हाइड्रोजन ही निकाल दिया तो ऑक्साइड बचेगा। H2O में से H+ ही तो निकलेगा। H2O में से H+ निकलेगा, H+ क्यों निकलेगा? इस बॉन्ड में O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो O की ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसकी +1। इस बॉन्ड को देखो -1 +1, यानी इसमें से H+ निकलेगा, तो ये हो गया ऑक्साइड। अगर हम वाटर में से केवल एक H+ निकाल दें तो क्या बचेगा? इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। OH- को बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। अब एक कंपाउंड होता है H2O2, इसका स्ट्रक्चर ये होता है H2O2 का, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इसमें से अगर आप 2H+ निकाल दोगे तो यही तो बचेगा बेटा, क्यों? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पर ऑक्साइड आयन।
तो जैसे ऑक्साइड आयन होता है वैसे ही एक परऑक्साइड आयन होता है। तो परऑक्साइड आयन का फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बताओ क्या बना, O2 2 माइनस। तो O2 2 माइनस को परऑक्साइड आयन बोलते हैं। अलग अलग तरह के आयन्स होते हैं, जैसे ऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन। तो ऑक्साइड आयन हो गया ऑक्सीजन 2 माइनस, ये हो गया OH माइनस, ये हो गया O2 2 माइनस। जैसे मान लो मैं फॉर्मूला लिखना हो सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना हो, हमें फॉर्मूला लिखना हो सोडियम ऑक्साइड का, हमें फॉर्मूला लिखना हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तीनों के फॉर्मूले लिखने हैं। तो जिसको पता है यार सोडियम जो है वो तो Na प्लस होता है और परऑक्साइड होता है O2 2 माइनस, तो ये 2 माइनस है ये प्लस है, तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा तब जाके फार्मूला बनेगा Na2O2। क्यों बेटा, ओवरऑल मॉलिक्यूल में तो चार्ज जीरो होगा ना, जितना प्लस उतना माइनस। अब जैसे सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम ये है और ऑक्साइड ये है, तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा Na2O। ऐसी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम ये हुआ और हाइड्रोक्साइड ये हुआ, तो फॉर्मूला क्या बना NaOH। तो फार्मूला लिखना अगर आपको आ जाए, स्ट्रक्चर सीखना आ जाए तो केमिस्ट्री आने लगेगी, स्ट्रक्चर सीखने में समय लगेगा, ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर सीखने में बहुत समय लगेगा। इसलिए परेशान मत होइएगा, धैर्य मत खोइएगा, स्ट्रक्चर सिखाना ही अल्टीमेट गोल होता है केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज। इसी तरह से हम लोग के पास एक आयन होगा सुपरऑक्साइड आयन, और ये होता है O2 माइनस, ये होता है सुपरऑक्साइड आयन O2 माइनस। O2 माइनस को बोलते हैं सुपरऑक्साइड आयन। जैसे आपको फॉर्मूला लिखना हो पोटेशियम सुपरऑक्साइड का, फॉर्मूला लिखना हो रुबिडियम सुपरऑक्साइड का, फॉर्मूला लिखना हो सीजियम सुपरऑक्साइड का, टीजियम सुपरऑक्साइड का। तो पोटेशियम आयन क्या है, के प्लस और सुपरऑक्साइड आयन O2 माइनस। रुबिडियम क्या है, Rb प्लस ये O2 माइनस, ये क्या है सीजियम प्लस O2 माइनस। तो फार्मूले क्या लिखोगे, इसका लिख देंगे KO2
इसका लिख देंगे RbO2 और इसका लिख देंगे CsO2। अब जैसे अगर पूछा जाए कि इन KO2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, तो पोटेशियम की प्लस वन है, ऑक्सीजन की एक्स मान लो और टोटल जीरो कर दो तो एक्स आ जाएगा माइनस हाफ। ये आंसर क्या आ गया, माइनस हाफ, क्योंकि सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो होगा। एल्कली मेटल की हमेशा प्लस वन होती है लेकिन ऑक्सीजन की हमेशा माइनस टू नहीं होती है। ऑक्सीजन की जनरली माइनस टू होती है लेकिन कभी कभी माइनस हाफ भी हो जाती है। तो माइनस हाफ किसमें है, सुपर ऑक्साइड में, क्योंकि सुपर ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला क्या है, सुपर ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला है O2 माइनस। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, X मान लो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर X मान ली तो 2X चार्ज के बराबर, तो X बराबर माइनस हाफ। तो इन सुपर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस हाफ। ठीक है, अब जैसे एक आता है, आपने देख लिया ऑक्साइड आयन, देख लिया परऑक्साइड आयन, देख लिया सुपर ऑक्साइड आयन, देख लिया एक होता है ओजोनाइड आयन। ऑक्साइड आयन होता है ओ टू माइनस, परऑक्साइड आयन O2 टू माइनस, सुपरऑक्साइड आयन O2 माइनस। ओजोन का फार्मूला सब जानते हैं, ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3। O2 का स्ट्रक्चर, O2 का जिसको बोलते हैं डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन सिंपली ऑक्सीजन बोल देते हैं लेकिन सही नाम क्या है, डाइऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अगर बोलोगे तो हो सकता है उसको लगे ओ बोल रहे हैं, ओ भी तो ऑक्सीजन होता है, इसीलिए डाई ऑक्सीजन बोल दोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब ओ टू। जैसे नाइट्रोजन, तो डाई नाइट्रोजन इज द करेक्ट नेम, डाई नाइट्रोजन। अब ओजोन के लिए ट्राई ऑक्सीजन कहने की जरूरत नहीं क्योंकि ओजोन तो दुनिया में एक ही है, ओथ्री। लेकिन ऑक्सीजन जैसे बोला आपने तो हो सकता है ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर रहा है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो कह देंगे डाई ऑक्सीजन। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो कह देंगे डाई नाइट्रोजन। तो डाई ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जीरो है कि नहीं, लेकिन जैसे ही आपने ओजोन का स्ट्रक्चर अगर बनाना होगा, ओजोन का, तो ओजोन का स्ट्रक्चर देखिए ये आएगा बेटा, ओजोन का स्ट्रक्चर देखो। अब कैसे सही है स्ट्रक्चर चेक करो, ओजोन का स्ट्रक्चर चेक करते हैं सही है कि नहीं है। वैलेंसी देखो, ओ की वैलेंसी कितनी होती है, ओ देखिए वैलेंसी कभी माइनस प्लस में नहीं बोलनी चाहिए, वैलेंसी का मतलब होता है कितने बॉन्ड्स बना रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस माइनस चलता है, वैलेंसी में न प्लस न माइनस। वैलेंसी कितनी, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे बोली जाती है वैलेंसी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी दो, ओ प्लस की वैलेंसी तीन बताई थी चेक करो, और ओ माइनस की वैलेंसी वन बताई थी,
मतलब वैलेंसी के हिसाब से स्ट्रक्चर सही दिख रहा है, और ओजोन पर टोटल चार्ज जीरो है, टोटल चार्ज बताओ जीरो है कि नहीं है, एक प्लस एक माइनस, यानी ओजोन में तीनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है कि नहीं बताओ। ओजोन में इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, जीरो, इसकी क्या होगी प्लस वन, इसकी क्या होगी माइनस वन, क्योंकि बॉन्ड के कारण तो जीरो जीरो होगी, सेम एलिमेंट के बीच बॉन्ड बना है तो बॉन्ड के कारण तो जीरो जीरो, लेकिन पहले से जो चार्ज है तो इन ओजोन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या है, जीरो प्लस वन और माइनस वन, तो एवरेज क्या आएगी, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तीनों को जोड़ो तीन से भाग दे दो, जीरो प्लस वन माइनस वन बटे तीन, तो जीरो आएगा। तो ध्यान रहे ओजोन में तीनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जीरो 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 नहीं होती है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होती है, तीनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होती है। ओजोनाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ, ओजोनाइट का O3 माइनस, ओजोन O3 तो ओजोनाइट O3 माइनस। हम आपसे कहें पोटेशियम ओजोनाइट का फॉर्मूला बताओ, क्या लिखोगे, KO3। हम आपसे कह दें बेरियम ओजोनाइट का फॉर्मूला बताओ, बेरियम ओजोनाइट का फॉर्मूला बताइए, बेरियम ओजोनाइट का फार्मूला बताओ, BaO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि Ba पे प्लस टू है और O3 पे माइनस वन है तो होल ट्वाइस करना पड़ जाएगा, कहीं पर अगर फार्मूला लिख के आ गया BaO6 बच्चे घबरा जाएंगे देख के BaO6 क्या है, लेकिन यही तो है BaO6, लेकिन ऐसे लिखने से समझ में आ रहा है कि यार ये O3 माइनस का होल ट्वाइस है, ऐसे लिखने से कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो लिखने का सही तरीका है, ये गलत तरीका है, लेकिन गलत तरीका भी तो चलता है, क्या समाज में चोरियां नहीं होती, चोरी ना हो तो पुलिस वाले क्या करेंगे, तो समाज में अच्छा भी चलता है गलत भी चलता है, दोनों का सामना करना पड़ सकता है आपको, ये सही तरीका है ये ठीक है ओके। तो आपसे पूछ लेंगे बताइए BaO6 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम, और कुछ लोग कैसे करेंगे O की माइनस टू मान के कहेंगे 12, बेरियम की तो प्लस टू ही होगी लेकिन O की क्या होगी, O की बताओ क्या होगी, इन BaO6 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम इज प्लस टू, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, Ba प्लस टू और इसकी 6x बराबर 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3। तो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, लेकिन वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शन नहीं होती, वैलेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती, हाँ वैलेंसी जीरो हो सकती है, जैसे नोबल गैस की वैलेंसी जीरो होती है, हीलियम नियान आर्गन कंपाउंड बनाते नहीं है इसीलिए तो उनको जीरो ग्रुप में रखा गया है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ीनॉन को जीरो ग्रुप में क्यों रखा गया है, उनके ग्रुप का नंबर जीरो क्यों रखा गया, भैया तुम लोग की वैलेंसी तो होती नहीं है, जीरो वैलेंसी होती है तो तुम्हारे ग्रुप का नंबर ही हमने जीरो डाल दिया,
ठीक है। अच्छा ओके, अब देखिए आप जो O2 है, O2 O2 कौन कौन सी फॉर्म में होता है? O2 होता है डाई ऑक्सीजन की फॉर्म में, क्यों बेटा? O2 होता है सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में, क्यों? O2 होता है परऑक्साइड की फॉर्म में। O2 कौन कौन सी फॉर्म्स में होता है? डाई ऑक्सीजन की फॉर्म में, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, और एक O2 प्लस भी होता है, इसको बोलते हैं डाई ऑक्सीजन कैटायन। तो ये O2 प्लस, जरा देखो कहां पाया गया था, O2 प्लस की खोज कब हुई? 1962 में एक साइंटिस्ट थे बार्टलेट, वो एक रिएक्शन करा रहे थे ऑक्सीजन की प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। ऑक्सीजन गैस को उन्होंने प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ ट्रीट किया, बार्टलेट नाम के साइंटिस्ट, 1962 की बात है, ये रिएक्शन करा रहे थे। नोबेल गैस के कंपाउंड्स की डिस्कवरी इसके बाद ही हुई थी। आपको पता होगा ज़ीनॉन कंपाउंड्स बनाता है, HCF2, HCF4, HCF6, ज़ीनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, जैसे HCF2, HCF4, HCF6, HCO3, HCO4, HCOF4, HCO2F2, ये सब ज़ीनॉन के कंपाउंड्स हैं। और ज़ीनॉन किस ग्रुप का है? जीरो ग्रुप का है। तो 1962 के पहले ज़ीनॉन को इनर्ट माना जाता था कि ज़ीनॉन कंपाउंड नहीं बनाता है, लेकिन 1962 के बाद ज़ीनॉन के तमाम कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई। ये सब कंपाउंड्स ज़ीनॉन के लैब में बनाए गए। और ये कैसे खोज हुई? इस रिएक्शन की वजह से। हम आपको उसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझा देंगे, पहले इस रिएक्शन को देख लो। तो O2 प्लस और PtF6 माइनस, ये ऑरेंज रेड कलर का सॉलिड पाया गया, ऑरेंज रेड कलर का सॉलिड। बस यहां से O2 प्लस के बारे में लोगों को जानकारी कि O2 प्लस भी होता है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या होगा, इस रिएक्शन में हुआ क्या होगा? O2 ने अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाला होगा और PtF6 ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। और जो इलेक्ट्रॉन निकाले उसका ऑक्सीडेशन हो गया, O2 का ऑक्सीडेशन हो गया। O2 का ऑक्सीडेशन कौन करा पाएगा? जो बहुत दमदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अरे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कौन करा देगा भैया? दुनिया भर का ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर आपको किसी का ऑक्सीडेशन कराना हो तो ऑक्सीजन को बुलाते हो, ऑक्सीजन आओ इसको ऑक्सीडाइज करो। और यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाने के लिए निर्मल सिंह आ रहे हैं। अब निर्मल सिंह को पढ़ाने जो आएगा, बात समझ रहे, किसी टीचर को पढ़ाने के लिए कोई टीचर आ जाए, ऐसे सोच लो कि O2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए PtF6, ये एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो O2 का क्या हो रहा है यहां पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है और PtF6 का रिडक्शन हो रहा है। तो बताइए इस कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है बताइए? +1/2। कैसे निकाला? 2x = +1। इसमें कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर? 2x = +1, तो x = +1। और PT की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, तो कैसे निकालोगे? y - 6 = -1,
पीटी की वाई मान ली और एफ की माइनस वन, क्या बताया था, सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर का जो एल्जेब्रिक सम है वो चार्ज के बराबर, तो कितना आएगा प्लस फाइव। ऑक्सीडेशन नंबर का कुछ आइडिया बन रहा है? अब जैसे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ीनॉन क्या है बताओ बेटा, प्लस टू। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ीनॉन प्लस फोर। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ीनॉन प्लस सिक्स। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ीनॉन प्लस सिक्स, ओ की माइनस टू मानी है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ीनॉन प्लस एट, ऐसे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ीनॉन प्लस सिक्स, ओ की माइनस टू एफ की माइनस वन। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ीनॉन प्लस सिक्स, तो सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम जीरो, ओ की माइनस टू एफ की माइनस वन। अब इन सबके स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, अभी हम स्ट्रक्चर पे दिमाग ज्यादा नहीं लगा रहे हैं, हल्का फुल्का स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो रूल्स हैं, उन रूल्स का जब हम एप्लीकेशन करते हैं, तो जैसे KMnO4 है या K2Cr2O7 है या मान लीजिए K2SO4 है या मान लीजिए FeSO4 है या सपोज Fe3PO4 का होल ट्वाइस है, इन कंपाउंड्स में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। इन कंपाउंड्स में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जो SO4 है वो सल्फेट होता है, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, और जो PO4 है वो होता है थ्री माइनस, ये होता है फास्फेट आयन। भाई जैसे आपने कंपाउंड देखा होगा H2SO4 देखा होगा कंपाउंड, सल्फ्यूरिक एसिड सब जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, इसमें से अगर आपने दो H प्लस निकाल दिए तो SO4 टू माइनस ही तो बचेगा बेटा, तो आपको याद हो गया कि SO4 टू माइनस होता है। इसी तरह से H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इसमें से तीन H प्लस निकाल दो तो क्या बचेगा, PO4 थ्री माइनस। तो अगर हम कहें पूरे SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, माइनस टू, पूरे SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है माइनस टू, क्योंकि SO4 पे चार्ज कितना है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज। कोई पूछे SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एलिमेंट की भी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, कंपाउंड की भी होती है और किसी स्पेसी की भी होती है। जैसे कोई पूछे वाटर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो। अमोनिया की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो। कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो। वाटर की, अमोनिया की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो। कोई पूछे SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो SO4 क्या है, कंपाउंड नहीं है, SO4 एक स्पेसी है और उस पर चार्ज होता है माइनस टू, तो SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई माइनस टू। ऐसे PO4 की ऑक्सीडेशन नंबर माइनस तीन, पता होना चाहिए PO4 क्या है, PO4 थ्री माइनस है। जैसे आपको पता है ऑक्साइड, पता ना ऑक्साइड आयन O टू माइनस, ऐसे फास्फेट आयन PO4 थ्री माइनस।
तो K की तो प्लस वन होगी हमेशा, K की हमेशा प्लस वन होगी, K की हमेशा प्लस वन, SO4 की हमेशा माइनस टू, PO4 की हमेशा माइनस तीन, बाकी एलिमेंट के निकाल सकते हैं, O की माइनस टू, O की माइनस टू, SO4 की माइनस टू, सल्फर की निकाल सकते हैं, सल्फर की निकालो इसमें SO4 में, इसमें सल्फर की निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर x मान के निकाल लो, x माइनस एट बराबर माइनस टू, x माइनस एट बराबर माइनस टू, तो x कितना आ गया प्लस सिक्स आ गया। तो सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स होगी, और सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बताई थी प्लस सिक्स। इसी तरह से इसमें देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, तो कैसे निकालेंगे, y माइनस एट, y माइनस एट इज इक्वल टू माइनस तीन लिखेंगे, फास्फोरस की y मान ली और ऑक्सीजन की माइनस टू, तो माइनस एट हो गई, तो कितना आएगा प्लस पांच। तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहां कितनी आएगी, अगर SO4 की माइनस टू है तो आयरन की प्लस टू आ जाएगी, क्योंकि टोटल सम तो जीरो होता है। इसमें देखो आयरन की क्या आ जाएगी, प्लस टू आएगी, क्योंकि PO4 की माइनस तीन, तो ये माइनस छ हो गया, PO4 की माइनस तीन तो माइनस छ हो गया, और ये तीन एक्स, 3x माइनस छ बराबर जीरो, अब इसमें सल्फर की क्या आएगी, सल्फेट है प्लस सिक्स। धीरे धीरे आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद हो जाएंगी, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। इसमें Mn की क्या आएगी, प्लस सेवन आ जाएगी, इसमें Cr की क्या आ जाएगी, प्लस सिक्स आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसमें फास्फोरस की प्लस पांच क्योंकि फास्फेट है। देखिए आपके पास ये है Fe3 PO4 होल ट्वाइस, तो आपको पता होना चाहिए यार कि ये जो PO4 है ये थ्री माइनस होता है, ये हमें पता है। तो आयरन की निकाल लो, तीन एक्स PO4 की माइनस तीन इंटू दो बराबर जीरो, एक्स कितना आ गया दो आ गया। मतलब इसको जब आप आयनाइज कराओगे तो तीन Fe लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू, और टू PO4 और ऑक्सीडेशन नंबर तीन माइनस, ऐसे ही तो ये आयनाइज होगा बेटा। और इसमें जब आप फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो y मान लो, ऑक्सीजन की माइनस टू इंटू फोर इज इक्वल टू माइनस तीन, चार्ज के बराबर कर दिया, तो फास्फोरस की प्लस पांच आ गई। क्लियर हुआ? अब सपोज हमारे पास P3O10 5 माइनस और एक प्रोसेस लिखा है, ये P4O6, ये एक प्रोसेस लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस बताइए कितनी है। तो कैसे निकाला हम लोगों ने, फास्फोरस की एक्स मान ली, तो थ्री एक्स माइनस बीस इज इक्वल टू माइनस पांच, तो कितनी आ गई प्लस फाइव आ गई। सॉल्व करो इसको,
तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे प्लस 5 आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या है, ओ की माइनस 2 मान ली। आपको सर ओ की तो माइनस 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप माइनस 2 मान के अपना काम चलाओ, काम तो चलाओ, हम इसका स्ट्रक्चर बना के आपको परेशान थोड़ा ना करेंगे। अभी आपने ओ की माइनस 2 मान के फास्फोरस की निकाल ली, और फास्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, प्लस 5। इसका मतलब आंसर सही आ रहा होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना अभी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही ओ की माइनस 2 मान के निकाल लें। और वास्तव में ओ की माइनस 2 होती भी है इसमें। अब इसमें निकालो, इसमें तो 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 3, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, प्लस 3 आ गई। तो पहले तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, दोनों तरफ सही लिखिए, बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी इन P4O6 इज इक्वल टू प्लस 3। अब आप देख रहे हैं फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, लेकिन O की नहीं चेंज हो रही है। O की माइनस 2 यहां भी है, वहां भी माइनस 2 है, मतलब O की नहीं चेंज हो रही है, केवल फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, घट रही है। और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना मतलब रिडक्शन, तो हम कहेंगे द अबव इज ए रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है, अबो इज ए रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। अब अगर हम कहें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 5 माइनस 3 मतलब 2, लेकिन अगर कहें नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसके एक आयन के द्वारा कितना ऑक्सीडेशन नंबर में नेट चेंज सफर किया जा रहा है, 3 एटम है तो 6 का नेट चेंज होगा बेटा, इस पे ध्यान देना। ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में मतलब ये जो P3O10 5- माइनस ये जो आयन है इसके एक आयन के द्वारा कितना नेट चेंज ऑक्सीडेशन नंबर में सफर किया जा रहा है इस प्रोसेस में, अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अभी ये मत पूछना सर ये इसमें कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कोई ना कोई इसको कन्वर्ट कर ही रहा होगा। जैसे आपके घर में परिवार को पता है कि बच्चा पढ़ने गया है, और कईयों को थोड़ा ना पता होगा किससे पढ़ने गया है, ये बताओगे पढ़ने गया है ऐसे इसका ये प्रोसेस हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, आपकी मम्मी किससे पढ़ने गया, हमें नहीं मालूम किससे पढ़ने गया, पढ़ने गया भाई बच्चा हमारा, इतना पता है। हो सकता है किसी की मम्मी को पता हो हाँ भैया फलाने सर से केमिस्ट्री पढ़ने गया, तो ये प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है वो समझेंगे, इसमें नेट चेंज कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में 6 का, बस यही इसका एन फैक्टर हो जाएगा, एन फैक्टर बोलते हैं इसको, एन फैक्टर। ये एक टर्म आया आपके सामने, एन फैक्टर क्या होता है, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्योंकि रिड्यूस हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब कोई रिएक्शन रही होगी, कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगी जिसका ये हिस्सा रहा होगा, इसको कोई रिड्यूस कर रहा होगा, जो रिड्यूस कर रहा है उसका हम यहां पे जिक्र नहीं कर रहे हैं, कोई कर रहा होगा इसको रिड्यूस, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका एन फैक्टर 6 हो गया। तो एन फैक्टर क्या होता है, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल या वन आयन।
तो आपको अब एन फैक्टर पे काम कराएंगे और रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग पे भी काम कराएंगे। तो एन फैक्टर पहले सीखना है आपको, किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाई वन मॉलिक्यूल या वन आयन इन ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कुछ आपको पूछना है तो बताइए। पहले पेज से स्टार्ट किया है, एक एक करके रिवाइज करते जाइए। पीरियडिक टेबल भी बीच में मैंने शुरू की थी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बताया था, उस पर भी काम हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिडक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। कोई पूछे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, तो आप कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? चार्ज। अरे बस इतना जरा सा चार्ज, अरे भैया थोड़ा खुल के बताओ। तो आप कहेंगे किसी एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड में या आयन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसके चार्ज के बराबर होती है जो उसका रियल या वर्चुअल चार्ज हो। रियल चार्ज और वर्चुअल चार्ज का फर्क हम आपको बता देते हैं, अभी क्लियर कर देंगे। जैसे मान लीजिए HF है और NaF है, तो NaF में प्लस वन माइनस वन है, लेकिन HF में पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस है। तो HF में वर्चुअल चार्ज ऑन F क्या है? माइनस वन। और इसमें रियल चार्ज ऑन F माइनस वन। समझ गए? HF में क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है ना बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन H का फ्लोरीन ने नहीं लिया है, H के इलेक्ट्रॉन पर फ्लोरीन का अधिकार ज्यादा है, H का अधिकार कम है। और NaF में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से F ने ले लिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, F ने ले लिया। HF में क्या हुआ? H के इलेक्ट्रॉन को F अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है। तो डेल्टा की वैल्यू जो है वो जीरो और वन के बीच में होती है बेटा। तो HF में F पर रियल चार्ज कितना है? माइनस डेल्टा। लेकिन डेल्टा को अगर हम वन मान लें तो वर्चुअल चार्ज माइनस वन है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी माइनस वन है, वहां भी माइनस वन है। मतलब चार्ज चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल हो उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोल देते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? द चार्ज रियल आर वर्चुअल पजेस्ड बाय द एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर आयन इज डिफाइंड एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। और फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगी। फ्री स्टेट क्या होती है? या तो एलिमेंट ने किसी से कंबाइन न किया हो या खुद से कंबाइन किया हो। ये हमने बताए थे एल्कली मेटल्स, लीना कैटरीना रणबीर के संग फरार। याद करने के लिए लीना कैटरीना रणबीर के संग फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एल्कली मेटल्स कैसे याद रखेंगे? लीना कैटरीना रणबीर के संग फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटियों को लगेगा सर मेरा नाम नहीं ले रहा, तो बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल अभियान चल रहा है। मेरी भी दो बेटियां हैं। अब इसमें देखिए, बैंगन आलू गाजर इन थैली, बैंगन आलू गाजर इन थैली, ये थैलियम है सर, थैला नहीं बोला क्योंकि ये थैलियम है इसलिए थैली बोली।
बी से बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं बाल गंगाधर तिलक। अलग अलग तरीके हैं याद करने के, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अपने अपने तरीके सबने बनाए हैं। बैंगन आलू गाजर इन थैली। काशी जी संन्यास ले, ले मतलब लेड, काशी जी संन्यास ले। कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड, काशी जी संन्यास ले, ले मतलब लेड। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मत, नाना पाटेकर अय्याज शराबी, नाना पाटेकर अय्याज शराब बी शराबी। ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, उससे टीपो, उससे टीपो, टीपो मतलब उससे नकल करो, बहुत टीप टीप रहे हो तुम। टोपा अलग होता है, टीपो अलग होता है, उससे टीपो। और ये फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। तो बैंगन आलू गाजर इन थैली, काची जी संन्यास ले, नाना पाटेकर अय्याज शराबी, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। और वो तो आसानी से याद हो ही जाता है। तो हाँ, नाना पाटेकर आज का जिंदा राजा, या किसी और ने कुछ बताया था, कोई किसी को और कुछ आता है इसके बारे में? हाँ, ये बहुत लोग बताते हैं हीना, ये हीना हो गया और करीना एक्सरे रंगीन। कौन सी बीमारी होगी जो एक्सरे कराने चली गई और आपने देख भी लिया? तो ऐसे अलग अलग तरीकों से आप लोगों ने याद किया होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर का सिलसिला चल पड़ा। तो आगे प्रोसीड करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से एस्पेक्ट में दिक्कत आपको आती है। अभी जो पढ़ा है उसमें बताइए, और जो नहीं पढ़ा है उसमें बताइए। बैलेंसी की बैलेंसिंग, हाँ बैलेंसिंग सिखा रहे हैं, ये सब क्लियर है? हाँ, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है HN3 से HNO3, ये एक इक्वेशन है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर दोनों जगह +1 है, ऑक्सीजन की -2, आल्दो ऑक्सीजन यहां पे नहीं है, कोई बात नहीं। N की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे -1/3 होगी और यहां पे +5 होगी। ये जो N3 माइनस है इसको बोलते हैं एजाइड आयन, और जो N3 माइनस है इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। HN3 का मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। ये देखिए HN3 का स्ट्रक्चर, ये है HN3 का स्ट्रक्चर। जरा चेक करो स्ट्रक्चर सही बनाया कि नहीं बनाया। N की वैलेंसी कितनी होती है? 3। N प्लस की कितनी होती है? 4। N माइनस की 2। और टोटल चार्ज 0 है कि नहीं है? ये HN3 का स्ट्रक्चर है। और इसमें से अगर आप H प्लस निकाल दोगे तो N3 माइनस का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। ये N3 माइनस का स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं हो गया? इसी का नाम क्या है? अजाइड आयन, अजाइड आयन। और देखिए नाइट्राइड आयन कहां से आएगा जरा देखिएगा। अमोनिया का स्ट्रक्चर पता है? अमोनिया का, अमोनिया बताइए, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1+1, -1+1, -1+1, ये तो होगा। अगर हम अमोनिया में से 3 H+ निकाल दें तो क्या बचेगा?
यही बचेगा, इसी का नाम है नाइट्राइड। जैसे बताइए इसका नाम क्या होगा, AlN का, इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा। भाई सब जानते हैं Al पर चार्ज प्लस तीन होता है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड, क्योंकि N पे माइनस तीन होगा, तो इसका नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और इसका नाम क्या है, बेरियम प्लस टू एन माइनस तीन, बेरियम प्लस टू एन माइनस तीन, तो इसका नाम हो गया बेरियम नाइट्राइड। चाहो तो चेक कर लो, बेरियम की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है, एन की निकाल लो, एन की अगर माइनस तीन आ जाए तो समझ लो नाइट्राइड है। बेरियम की तो हमेशा प्लस टू होती है, इसका नाम क्या होगा, Na की प्लस वन, तो N की कितनी आई, माइनस तीन, तो इसका नाम हो गया सोडियम नाइट्राइड। लेकिन ये क्या हुआ, क्योंकि Na प्लस N3 माइनस, इसका नाम हो गया सोडियम अजाइड, ये सोडियम अजाइड हो गया। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक में हम लोग को कंपाउंड्स, नाम, स्ट्रक्चर ये जानने की भी कोशिश करनी है, कोशिश करनी है, पूरा समझ में हो सकता ना है, कोशिश करनी है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कई कई बार पढ़ना पड़ता है, एक बार पढ़ने से काम नहीं चलता, बार बार पढ़ना पड़ता है, रिविजन रिविजन रिविजन, एक बार पढ़ा कुछ कुछ क्लियर हुआ, फिर दूसरी बार तीसरी बार कई बार जाके तब जाके लगता हाँ अब कॉन्फिडेंस आया है। इसीलिए जो मैं कंपाउंड्स लिख रहा हूं अब उसको देखो जानो, ठीक है याद हो ठीक, नहीं याद हो कोई बात, एक बार देखो तो उसको क्या क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री ही जनरली वीक होती है, 100 में से 90 बच्चों की केमिस्ट्री वीक होती है जो कोचिंग पढ़ने आते हैं, और 100 में से 90 बच्चों की मैथ ठीक होती है, क्योंकि बचपन से आपको क्या सिखाया जाता है, मैथ पढ़ो मैथ पढ़ो मैथ पढ़ो, कभी नहीं कोई कहेगा केमिस्ट्री पढ़ो केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ अच्छी होनी चाहिए, हमारे साथ भी था मेरी मैथ अच्छी थी, हिंदुस्तान में मैथ लगभग सबकी अच्छी होती है, तो शुरू से ही मैथमेटिक्स, क्योंकि जिसकी गणित अच्छी है तो वो धनवान बन जाता है, और सब चाहते हैं पैसा खूब कमाया जाए, इसलिए गणित सबकी अच्छी होनी चाहिए। जो राजनीति में लोग क्या लगाते हैं, गणित ही तो लगाते हैं, बहुत गणित लगा रहे हो अच्छा, और केमिस्ट्री में लोग दिल लगाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, बॉन्ड से बंधन, रक्षाबंधन, लेकिन गणित, गणित में बंधन अंदर नहीं होते भी। 105 रुपए की चीज है भाई साहब मेरे पास 100 रुपए है, ना ना 5 रुपए पहले लाओ, और केमिस्ट्री वाला होगा कोई बात नहीं यार बाद में दे जाना, ये केमिस्ट्री है, और मैथ वाला नहीं 5 रुपए पहले, 105 का हम फायदा ही हो रहा, हमारा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर का जो टॉपिक है ये मैथमेटिकल टॉपिक है, लेकिन हम लोग क्योंकि केमिस्ट्री के लोग हैं इसलिए केमिस्ट्री भी तो साथ में सीखें, मैथ थोड़ा सीखने के लिए यहां बैठे हम लोग। अब इस कंपाउंड को देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, माइनस 1/3 से 5 हो रही है, तो क्या लिखेंगे, अब इज ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन चेंज कितना आ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 माइनस माइनस 1/3 मतलब 16/3, तो अगर हम इसका n फैक्टर निकालना चाहें
क्या होगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात कौन बताइए। तो मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है HN3 प्लस P3O10 5 माइनस इज इक्वल टू HNO3 प्लस P4O6। ये इक्वेशन मैंने लिखी। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, इसमें HN3 जो है वो ऑब्वियसली HNO3 में कन्वर्ट हो रहा है, और जो P3O10 5 माइनस है वो कन्वर्ट हो रहा है P4O6 में। यही तो हो रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर माइनस 1/3 से प्लस 5 हो रही है, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5 से प्लस 3 हो रही है। बताइए यानी ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो HN3 क्या हुआ, HN3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब HN3 हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गई एक रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। जब भी हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके दो मेथड होते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड थोड़ा सरल है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन दोनों मेथड सीखने हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सबसे पहले जानेंगे, फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जानेंगे। दोनों मेथड अगर आपने इस सवाल में सीख लिए तो बस वही सब सवालों में लगेंगे। ध्यान से सीखना है बस आपको। तो सबसे पहले हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कैसे करें, उसके लिए तरीका क्या है कि उस रिएक्शन में उन एलिमेंट्स को पकड़ो जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। तो पहले मैं हेडिंग डालता हूं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहला स्टेप क्या है, उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर लिखें जिनमें चेंज आ रहा हो। उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर लिखें जिनमें चेंज आ रहा हो। क्या इक्वेशन थी बताओ, HN3 प्लस P3O10 5 माइनस इज इक्वल टू HNO3 प्लस P4O6। उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर लिखे जिनमें चेंज आ रहा हो, माइनस 1/3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3। उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर लिखें जिनमें चेंज आ रहा हो। दूसरा स्टेप देखिए, ध्यान से सीखिएगा ताकि बार बार ये सिखाना ना पड़े।
बहुत ध्यान से सीखेगा, एक सवाल से सब कुछ सीख जाओगे। कॉन्सेप्ट का ही तो मतलब होता है। अब स्टेप सेकंड देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिसाइड कर लें। ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिसाइड कर लें। बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? P3O10⁵ और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? HN3। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिसाइड कर लें। जहां दिक्कत आए तुरंत टोकिएगा मेरे को। स्टेप तीन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के एन फैक्टर कैलकुलेट कर ले। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के एन फैक्टर कैलकुलेट कर ले। और एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इन ए रिडॉक्स रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल और वन आयन। ये हो गया एन फैक्टर का मतलब। किसी ऑक्सीडाइजिंग या किसी रिड्यूसिंग एजेंट का जो एन फैक्टर, हर कंपाउंड का नहीं, केवल ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं अभी। एसिड का अलग होता है, बेस का अलग होता है, साल्ट का अलग होता है, एलिमेंट का अलग होता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं। तो बताइए इसका एन फैक्टर क्या है? 5 से 3, 2 का चेंज, लेकिन 3 एटम है तो 6। इसका एन फैक्टर क्या है? -1/3 से 5 तो 16/3 × 3 = 16। एन फैक्टर निकालना आ गया। जिसका एन फैक्टर निकालना है उसमें देखो कितने एटम है। अब स्टेप 4 क्या लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टेप 4 क्रॉस मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन द मोलर रेशियो ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट किस मोलर रेशियो में रिएक्शन कर रहे हैं,
वो पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों के एन फैक्टर का इंटरचेंज कर देना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर रिड्यूसिंग को दे दो, रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग को दे दो, जिससे हमें मोलर रेशियो पता लग जाए। यानी ये क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था, ये क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका एन फैक्टर क्या है, 16। इसका एन फैक्टर क्या है, 6। यानी क्या लिखेंगे, 6:16, 6:16। समझ गए, इसका 6 इसको दिया, इसका 16 उसको दिया। अब 6:16 को 3:8 लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे में हम लोग 3:8 कर ले, तो 3:8 आया समझ में। लोवेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर में ही हमें इक्वेशन लिखनी होती है, ये समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। लेकिन 6:16 को हमने 3:8 लिख दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, उन एलिमेंट्स को बैलेंस करें जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखा था, उन एलिमेंट्स को बैलेंस करें जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखा था। तो वहां पे n कितने हैं, भाई n और p की ही तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखा था, तो n को बैलेंस करो, यहां 9 है तो इसको भी हम कर देंगे 9, ये बैलेंस हो गया। यहां p कितने, 24, इसको भी कर दिया 6 × 4=24। उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लो जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखा था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अभी बैलेंस वो नहीं हुई, अभी हम स्टेप लिखेंगे, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। KMnO4 प्लस FeC2O4 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू MnSO4 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस CO2 प्लस K2SO4। जब भी किसी टॉपिक को जब समझना होता है अच्छे से, तो हमें एग्जाम्पल थोड़े बढ़ाने पड़ते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इस एग्जाम्पल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मैग्नीज है, आयरन है, कार्बन है, पोटेशियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स हैं कि नहीं। पोटेशियम कि यहां भी +1, यहां भी +1, तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा। सल्फर, यहां देखो सल्फेट, यहां भी सल्फेट, 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 हर जगह सल्फर सल्फेट है, तो सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर में भी चेंज नहीं आ रहा, तो इन दोनों में चेंज नहीं आ रहा। एच की +1, यहां तो वाटर लिखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज आता नहीं है। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर यहां निकालो कितनी है, यहां +7 है, कैसे निकाला, 1 + x - 8 = 0, 1 + x - 8 = 0। और यहां मैग्नीज की, क्योंकि SO4 की -2 है, Mn की +2 है,
यहां देखो आयरन की निकालते हैं, जो C2O4 है, C2O4 ये ऑक्सलेट आयन होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सलेट आयन। जिस तरह से आपको SO4 के बारे में पता है, जिस तरह से आपको CO3 के बारे में पता है कि SO4 सल्फेट आयन, CO3 कार्बोनेट आयन, है ना, ऐसे ही C2O4-2- ऑक्सलेट आयन, CN साइनाइड आयन, ये साइनाइड आयन, ऐसे ही NO2- नाइट्राइट आयन, NO3-, ये केमिस्ट्री है, दिस इज केमिस्ट्री। ये नहीं कि हम लोग केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे हैं। अरे भैया केमिस्ट्री भी तो सीखनी है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, नाइट्राइट आयन, तुम्हारा नाम नाइट्रेट आयन, OH- क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, कुछ आयन हमने लिखे, हम सब कुछ नहीं लिख रहे हैं, कुछ कुछ लिख रहे हैं, एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते। अब इसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो X मान के, तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +3। और अगर Fe2O4 है तो इसमें ये -2 है, तो ये क्या होगा, +2। हमें पता है ना कि C2O4-2- होता है, ये देखिए C2O4-2- होता है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर यहां +2 है, और यहां देखिए सल्फेट -2, SO4 की -2, तो ये -6 हो गया, और इसकी x मान लो तो 2x -6=0, तो +3 हुआ। और कार्बन की यहां पे +3 है, अभी निकाली थी ऑक्सीलेट में कार्बन की, ऑक्सीलेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर, यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, +4। तो अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये 7 से 2 में जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। हमने क्या कहा था, सबसे पहले उन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो जिनमें चेंज आ रहा हो, फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट तय कर लो। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 3, 3 से 4 बढ़ रही है, मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। उसके बाद दोनों के एन फैक्टर निकाल लो, इसका एन फैक्टर बताओ क्या आएगा, 7 से 2, के में चेंज आया नहीं, ओ में चेंज आया नहीं, 7 से 2 एन फैक्टर 5 हुआ, इसका एन फैक्टर देखो क्या आएगा, अरे 2 से 3 एक का चेंज, 3 से 4 एक का, लेकिन 2 एटम है, इसका एन फैक्टर 3 आएगा, इस पे ध्यान दो, क्योंकि यहां 2-2 एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, आयरन की भी कार्बन की भी। क्या बताया था, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाई 1 मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल के द्वारा कितना नेट चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। उस वाले सवाल में क्या हो रहा था, इसमें केवल N की चेंज हो रही थी, इधर केवल P की चेंज हो रही थी, इसमें क्या हुआ,
तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर लिखो जिनमें चेंज आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिसाइड कर लो, दोनों के एन फैक्टर डिसाइड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3-5। क्यों बेटा, KMnO4 is to ferrous oxalate, इसमें क्या आएगा, 3:5 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, बता बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 इधर 5 इधर, लेकिन 3-5 को हम क्या कर दे रहे हैं, 6-10, 3-5 को कर दिया 6-10। ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे नंबर फ्रैक्शन में ना कहीं आ जाए। 3-5 को हम 6-10 कर सकते हैं, 6-10 किया क्यों, क्योंकि अगर ये 5 होता तो 5 Fe यहां पे भी 2.5 करना पड़ता था, अगर 2.5 × 5 होता तो हमें नंबर कौन से लाने, नेचुरल नंबर लाने हैं, इसीलिए 3-5 को 6-10 कर दिया। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगी बात कि 3-5 को 6-10 करना है कि नहीं करना, अभ्यास कर, क्योंकि हम एग्जाम्पल ज्यादा लेंगे नहीं, हम आपको समझाएंगे ज्यादा, अब करोगे खुद, शीटों के सवाल करो खुद, कॉन्सेप्ट समझ लो ध्यान से। हम 2 इक्वेशन एक साथ लेके चल रहे हैं, फिर से हम लोग रूल्स पे आते हैं। जब भी हमारे पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए आएगी तो हम उसमें उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे जिनमें चेंज आ रहा हो, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिसाइड कर लेंगे, दोनों के एन फैक्टर डिसाइड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया था, उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया था, वहां भी ये कर लें। Mn, Fe और C की ऑक्सीडेशन नंबर में तो चेंज आया है, इनको बैलेंस कर लो, Mn कितने वहां, 6, Fe कितने हैं, 5 कर लें, कार्बन कितने हैं, 20 कर ले, उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर ले जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखा था दोनों तरफ। एक बार फिर से स्टेप दोहराओ, सबसे पहले उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर लिखो जिनमें चेंज आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट डिसाइड कर लो, एन फैक्टर कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उन एलिमेंट को बैलेंस कर लो दोनों तरफ जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखा था। यहां तक क्लियर हो गया, बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे एंड में बैलेंस करना होगा पानी की मदद से, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पहले क्या है, के और सल्फर भी तो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे एंड में बैलेंस करेंगे पानी डाल के, सारे कांड कर डालो पानी डाल दो, पहले कांड तो करो, अभी कांड पूरा नहीं हुआ है पानी मत डालो, अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बिल्कुल एंड में बैलेंस करेंगे, उसके पहले बाकी एलिमेंट को बैलेंस करो के और सल्फर को। उस वाली इक्वेशन में जरा गौर करो, इसमें एन और पी के अलावा क्या बचा, एच और ओ ही तो बचा है ना, लेकिन उसमें के और सल्फर भी तो है, तो रूल क्या लिखेंगे, स्टेप 6 क्या लिखेंगे, स्टेप 6 एच और ओ के अलावा अदर एलिमेंट्स को बैलेंस कर लें। एच और ओ के अलावा अदर एलिमेंट्स को बैलेंस कर लें, तो आइए अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। अदर एलिमेंट
बैलेंस करते हैं, कौन से है के और एस, अदर एलिमेंट कौन है? अब के मेटल है, मेटल को पहले बैलेंस करो, छ के बताओ बेटा, वो रेशियो तो फिक्स हो गया ना बेटा। अब के बैलेंस हो गया, सल्फर, सल्फर राइट साइड में देखो कितने हैं, 6 ये हैं, 15 ये हैं, 5 3 15 6 21 और 3 24 सल्फर हैं, बाई तरफ भी 24 कर लो, सल्फर भी बैलेंस हो गया। नहीं समझ में, सबसे पहले वीआईपी एलिमेंट्स को बैलेंस करो, फिर एच और ओ को एंड में, अगर कोई और एलिमेंट्स है पहले उनको निपटाओ, उनमें मेटल को पहले निपटाओ। अब आइए अगली बात, स्टेप 7 लिखें तुम, स्टेप 7 इफ द इक्वेशन इज आयनिक देन बैलेंस दी, बैलेंस दी चार्ज विद द हेल्प ऑफ एच प्लस इन केस ऑफ एसिड मीडियम और OH माइनस इन केस ऑफ बेसिक मीडियम। अगर इक्वेशन आयनिक है तो अगला स्टेप क्या होगा, चार्ज बैलेंस करेंगे। देखिए किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में एटम बैलेंस होते हैं और चार्ज बैलेंस होता है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। अगर एटम बैलेंस है दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है, मतलब इक्वेशन बैलेंस। तो अगर आयनिक इक्वेशन का मसला है, आयनिक इक्वेशन का अगर मसला है तो चार्ज पहले बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाद में देखोगे, पहले चार्ज बैलेंस करो। और चार्ज कैसे बैलेंस करोगे, H प्लस की मदद से या OH माइनस की मदद से। मान लो हम ये रिएक्शन आपसे कह रहे हैं कि एसिड मीडियम में है, अक्सर रिएक्शन में लिखा होता है, और अगर ना लिखा हो तो एसिड मीडियम मान लो। अब बताइए बाई तरफ चार्ज कितना है, -40 है, 8 5 बेटा वो तो छत पे जो लिखी है वो तो ऑक्सीडेशन नंबर है, छत पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखी, वो चार्ज नहीं है, वो तो ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज तो ये है बेटा 5 तो 8 5 40, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 40 माइनस है और राइट साइड पे 0 है चार्ज, तो 40 माइनस है राइट साइड पे 0 है, तो क्या करोगे, 40 एच प्लस लिखोगे, तो 40 माइनस जो है वो 40 प्लस से 0 हो जाएगा, दाईं तरफ भी तो चार्ज 0 है, चार्ज बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? नहीं समझ में आया? नहीं ऐसे हाँ होता है कि ना होता है? हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ऐसे हो गया? हाँ मैं चलूंगी, ऐसे बोल देगी तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? तो ये समझ में आया तो हाँ बोलिए, नहीं आया तो ऐसे बोलिए, या तो जवान से बोलिए हाँ या ना, यस या नो। तो कौन ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया चार्ज बैलेंस करना? आपको नहीं आया था, मुझे लग रहा था। क्या दिक्कत आई इसमें, कि ये भी नहीं पता कि दिक्कत क्या है?
कई बार ये भी नहीं पता होता ना कि हम दुखी क्यों हैं, फिर जांचें करनी पड़ती हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं, रिपीट कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और चला गया होगा। ये देखिए चार्ज इस पर कितना है, -40 दिख रहा है भाई, इस पे H3 है, H3 का मॉलिक्यूल है, जीरो चार्ज, लेकिन ये तो आयन है बेटा, और आठ है, 8 × 45 -40 है, और राइट पे चार्ज जीरो है कि नहीं है। इनको चार्ज मत समझ लेना, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज ये है, ये चार्ज है, दिस इज द चार्ज। तो -40 है, राइट साइड पे जीरो है, चार्ज कहां बैलेंस है, 40H+ लिखते ही चार्ज बैलेंस हो गया। अब बताइए क्लियर है? और वो वाली इक्वेशन जो थी, ये तो चार्ज थी नहीं, तो इसमें चार्ज का मसला ही नहीं है, ये तो आयनिक है ही नहीं। तो दो तरह की इक्वेशंस मिलेंगी, आयनिक और मॉलिक्यूलर। अगर मॉलिक्यूलर इक्वेशन है तो चार्ज वाला स्टेप यूज ही नहीं होगा, लेकिन अगर आयनिक इक्वेशन है तो चार्ज वाला स्टेप यूज होगा। लगा सकते थे अगर लिखा होता एल्कलाइन मीडियम, अगर क्वेश्चन में दिया होता बेसिक मीडियम तो वहां पे 40OH- लिख देते। हाँ बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, बाय डिफॉल्ट एसिडिक मान लेते हैं। अगर सवाल में नहीं लिखा है और थोड़ा इस वजह से भी, क्योंकि देखो HN3 क्या एसिड है, ये भी एसिड है, तो मामला एसिड का ही चल रहा होगा, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में लिखा होगा। फिर चार ऑप्शन भी तो होंगे, मतलब कोई कठिन मसला नहीं है ये। अब स्टेप सातवां केवल किसके लिए यूज होगा, आयनिक इक्वेशन के लिए, ये केवल आयनिक इक्वेशन के लिए यूज होगा, अदरवाइज इसका कोई महत्व नहीं है। अब स्टेप आठ देखो क्या होगा, एच या ओ को बैलेंस करने के लिए वाटर की हेल्प लें। H या O को बैलेंस करने के लिए वाटर की हेल्प लें। अब इसमें देखिए H या O को मान लो H पकड़ लिया हमने, आपकी जो इच्छा हो, H को बैलेंस करना चाहते हो कि O को, H को बैलेंस करना अक्सर आसान होगा, कभी कभी O को बैलेंस करना आसान होता है, जो आसान लगे, काहे को आप जबरदस्ती का कठिनाई वाले मार्ग से चलो, है ना। तो यहां H कितने बाईं तरफ, 3 और 40 कितने H हैं, बाईं तरफ 43 H हैं, और दाईं तरफ H कितने हैं, 9। देखो बाईं तरफ 43 H, दाईं तरफ 9 H, तो दाईं तरफ कितने H की कमी है, 43 में से 9 घटाओ 34 आएगा, 43 में से 9 कितना, कठिन सवाल है यार, 13 में 9 गया 4। कई बार होता है छोटे छोटे नंबर भी हम लोग को परेशान करने लगते हैं, तो लगता नहीं ये अपने स्टैंडर्ड का सवाल थोड़ा ना, तो सोचते नहीं हम लोग, ये मत देखा करो स्टैंडर्ड सवाल सवाल होता है, कई बार ढाबे पे भी जाना पड़ता है खाना खाने, और कई बार 5-स्टार में भी जाएंगे, तो अपने को फ्लेक्सिबल रखो। तो 34H की कमी है वहां पे, अब 34H की कमी कैसे, पानी की मदद से, तो 34H के लिए 17 वाटर जोड़ दोगे, 17 × 34, ऑक्सीजन चाहो तो चेक कर लो बैलेंस होगा, गारंटी है ऑक्सीजन बैलेंस होगा, अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं निकल रहा है समझ लो कहीं हम लोग से चूक हुई होगी, ऑक्सीजन चाहो तो चेक कर लो, बाईं तरफ कितने ऑक्सीजन है, 80। देखो ये ऑक्सीजन मत गिन लेना, कुछ जगह 4 ऑक्सीजन सर ये भी तो है, ये 40H+ है, तो 80 ऑक्सीजन है, दाईं तरफ कितने, 9 किया 27, 27 से 17 कितना हुआ,
44, 44 और 36, 80। तो आपने उत्तर की जांच कर ली। अब दोनों और नाइट्रोजन बैलेंस है, फास्फोरस बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है। सर नंबर दीजिए। अब ये वाला चार्ज तो रियली है ना बेटा। अब बताइए क्या स्थिति है बैलेंसिंग के मसले में। देखिए कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। हम 100 एग्जाम्पल दें तब भी काम हो सकता है, एक एग्जाम्पल दे दिया उससे भी काम हो सकता है। अब आपको तय करना है क्या हम और एग्जाम्पल दें। भाई इतना कठिन एग्जाम्पल हमने ले लिया, इसमें सब कुछ तो आ गया, बाकी आप कहोगे तो हम एग्जाम्पल लेते रहेंगे। अब उसको देख लो, इस वाली इक्वेशन को। इसमें भी H या O में से H को बैलेंस करना है ना। ये निपट गया था, ये निपट गया था, ये कहां निपटा था। अभी H कितने यहां पे, 48, 24 वाटर। H या O बैलेंस करने के लिए पानी की मदद ले ले, हो गई इक्वेशन बैलेंस। मुझे तो लगता है कि ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। इस कंपाउंड में ध्यान दीजिएगा, आयरन कार्बन दोनों में चेंज आ रहा है। ये एग्जाम्पल ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेट चेंज एन फैक्टर देखना अगर आपको आ गया, एन फैक्टर में ही लोग गलती करते हैं। और गलती क्यों करते हैं, बेवकूफी में। ऐसा नहीं कि कोई कठिन चीज है, जैसे आयरन एक ही एटम है तो दो से तीन बच गए, सर यहां दो है तो अरे उसको क्यों देखो, जिसका एन फैक्टर निकालना हो उसमें देखो। तो दो से तीन एक का चेंज, तीन से चार एक का चेंज, लेकिन दो एटम है। ठीक है, कोई इक्वेशन आपको पूछनी हो जो आपकी शीट में तंग कर रही हो आपको, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करें। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, बैलेंसिंग, एस ब्लॉक पी ब्लॉक देख लिया, अब जरा डी ब्लॉक भी देख लीजिए। डी ब्लॉक देख लीजिए, डी ब्लॉक देखिएगा, ग्रुप नंबर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, एट्थ एट्थ एट्थ, फर्स्ट बी, सेकेंड बी। ये टोटल आप देखिए 10 कॉलम है, ये गिनेंगे तो 10 कॉलम आएंगे। अब इन 10 कॉलम में 30 एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, हर एक में तीन तीन, हर ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट है। वो 30 एलिमेंट्स कैसे याद रखें उसके लिए एक कहानी बताएंगे आपको। वो कहानी क्या है, उसमें एक राजपाल यादव का करेक्टर है। राजपाल यादव को जानते हैं, सब लोग जानते होंगे लगभग, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें ये एक कॉमेडियन एक्टर है जो हाइट में बहुत छोटा है। राजपाल यादव की बहुत छोटी हाइट है और वो एक्टर है, कॉमेडियन एक्टर है, बहुत फेमस एक्टर है, सेलिब्रिटी एक तरह का। और एक एक्ट्रेस हमारे जमाने में एक्ट्रेस हुआ करती थी, याना गुप्ता, कभी गूगल पे सर्च करके देखना याना गुप्ता। तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, जैसे संजय दत्त है, बहुत अच्छी हाइट की वो चेकोस्लोवाकिया की एक्ट्रेस थी, मतलब इंडिया में दो तीन फिल्मों में काम किया उसने। तो याना गुप्ता हमारे जमाने में, जब हम 95-96 की बात कर रहे हैं। लेकिन याना गुप्ता को आप लोग जानते हो, आप लोग जानते हो यामी गौतम को, जानते हो यामी गौतम को, जानते हो क्या आप लोग, कितने लोग हैं जो यामी गौतम को नहीं जानते, क्या आप मूवी नहीं देखते हो।
क्या देखते हो रिश्ता क्या कहलाता है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई हम, मैं समझता हूं क्रिकेट और फिल्में हिंदुस्तान में लगभग सभी लोग देखते हैं, लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट के बारे में जान, विराट कोहली को कौन नहीं जानता, जब कोई हुआ विराट कोहली को मैं जानता हूं, सब जानते होंगे लगभग। आप लोग जानते हैं विराट कोहली को? क्यों जानते हैं उसको? क्रिकेट में इंटरेस्ट है कि विराट कोहली में इंटरेस्ट है? तो विराट कोहली एक सेलिब्रिटी है, सब जानते हैं। ऐसे ही यामी गौतम भी एक ठीक ठाक सेलिब्रिटी है, जानते होंगे आप लोग। तो एक कहानी है, राजपाल यादव के सपने में यामी गौतम आ रही है, तो वो क्या कह रहा है, सोच रहा है, सोचो तो यामी लगती जबरदस्त है। तीस एलिमेंट्स याद करने के लिए कहानी बनाई है हमने, उस कहानी को आपने समझना है और अच्छे से 30 एलिमेंट आपको याद हो जाएंगे। ये राजपाल यादव के थॉट में आ रहा है, सोचो तो याना, हम अपने समय बोलते थे याना, सब लोग याना को जानते थे, याना गुप्ता, तो सोचो तो याना लगती जबरदस्त है, लेकिन याना को अब लोग नहीं जानते, यामी, सोचो तो यामी लगती जबरदस्त है। ये 6 एलिमेंट याद हो गए, सोचो तो यामी लगती जबरदस्त है, राजपाल यादव के थॉट में आ रहा है। वैसे निगाहें भी तरसा करें, राजपाल यादव, वैसे निगाहें भी तरसा करें। यह है स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। ये जो मैं नाम बोल रहा हूं ये मैं आपको लिखा भी दूंगा, अभी केवल सुन लो, स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम। लेकिन अभी आप परेशान मत होना, लिखा भी देंगे इन सब नामों को, लेकिन सिंबल बहुत जरूरी है याद रखना। तो सोचो तो यामी लगती, लगती, सोचो तो यामी लगती जबरदस्त है, राजपाल यादव सोच रहा है, मैं नहीं सोच रहा हूं। वैसे निर्मल बाबा, वैसे निगाहें भी तरसा करें। उसके बाद मोहब्बत वाले मन टकरे आ, मोहब्बत वाले मन टकराए, टकराए को हम टकरे आ बोल रहे हैं, आ मतलब आयरन, मोहब्बत वाले मन टकराए, टकराए क्या बोले, टकरे आ, मोहब्बत वाले मन टकरे आ। तो फिर से पढ़ो इसको, सोचो यामी लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करें, मोहब्बत वाले मन तक रे आ, आ मतलब आयरन, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम, फेरम या आयरन। सोचो यामी लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करें, मोहब्बत वाले मन टक रे आ, रूठे उस सनम को, क्योंकि राजपाल यादव की जो परमानेंट पार्टनर है वो रूठ गई, ये क्या चक्कर भैया मेरे रहते हुए किसी और को, रूठे उस सनम को रहे इंतजार। रूठे ओ सनम को रहे, को मतलब कोबाल्ट, रहे मतलब रोडियम, इंतजार, आईआर मतलब इंतजार, रूठे ओ सनम को रहे इंतजार। फिर से पढ़े, सोचो यामी लगती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करे, मोहब्बत वाले मन टक रे आ, रूठे ओ सनम को रहे इंतजार। निकल पड़े, निकल पड़े, पड़े मतलब पीढ़ी, निकल पड़े पटाने को मतलब कॉपर, निकल पड़े पटाने को, पीटी मतलब पटाने को, पटाने को मतलब कॉपर, निकल पड़े पटाने को आज, और
जिंदगी कद्दू हो गई। अब ये 30 एलिमेंट जल्दी से कहानी के रूप में सोच के अगले पेज पे लिखो, खाली पेज पे ट्राई करो लिखने की। एक दो बार आप ये बोलोगे घर में तो याद हो जाएगा, अपने घर में, किसी और के घर में तो ऑब्जेक्शन हो सकता है। सोचो यामी लग ती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करे, मोहब्बत वाले मन टकरे आ रूठे ओ सनम को रहे इंतजार। रूठ गई जो राजपाल यादव की परमानेंट सनम थी, वो रूठ गई, उनको इंतजार रहे भाई क्या कर रहे हो तुम ये, वो घर से बाहर रूठे वो सनम को रहे इंतजार, किसी और से हो रहा है प्यार, हमको कर रहे दरकिनार, रूठे वो सनम को रहे इंतजार। उसके बाद हद हो गई, निकल पड़े पटाने को आज, लेकिन उसके बाद हाल क्या हुआ, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, जब अपनी हो और जिंदगी कद्दू हो गई, और जिंदगी कद्दू हो गई, तो एक ऐसी कहानी जिससे शिक्षा भी मिले, 30 एलिमेंट्स भी याद हो जाए, तो ऐसी कहानी राष्ट्रहित में तो मानी जाएगी। ठीक है, मोहल्ले में कोई ऐसा शख्स पाओ तो उसको कहानी सुना देना। तो एक बार फिर से आप लिख के देखिए, सोचो यामी लग ती जबरदस्त है, वैसे निगाहें भी तरसा करें, मोहब्बत वाले मन टक रे आ रूठे ओ सनम को रहे इंतजार, निकल पड़े पटाने को आज और जिंदगी कद्दू हो गई। तो ये ग्रुप थर्ड भी है, ये ग्रुप फोर्थ भी है, ये ग्रुप फिफ्थ भी है, ये ग्रुप सिक्स्थ भी है, ये ग्रुप सेवेंथ बी है, ये तीनों ग्रुप जो है एट्थ है, और ये ग्रुप फर्स्ट बी है, और ये सेकंड बी, और ये है फोर्थ पीरियड, ये है फिफ्थ पीरियड, और ये है सिक्स्थ पीरियड। अगर हम आपसे पूछें मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मैग्नीज की क्या होगी, प्लस 7। क्रोमियम की बताओ प्लस 6। वैनेडियम की बताओ प्लस 5। ग्रुप नंबर से टैली हो रही है, मैग्नीज कौन से ग्रुप का है, 7वें ग्रुप का है, तो मैग्नीज की प्लस 7, क्रोमियम की प्लस 6, वैनेडियम की प्लस 5, टाइटेनियम की प्लस 4, रूथीनियम की प्लस 8, ऑस्मियम की प्लस 8, है ना, अरे 8वें ग्रुप का है ना। और एक बात और समझना, आईयूपीएसी नंबरिंग में इसको 3 नंबर, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11, इसको 12, ये IUPAC सिस्टम से नंबरिंग ऐसे की गई है,
तो बताओ इरिडियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? इरिडियम की जल्दी बताओ 9। प्लेटिनम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 10। समझ गए कितना फायदा हो रहा है ग्रुप नंबर जानने से, पीरियडिक टेबल जानने से। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह रूल लगेगा। जैसे आयरन है, अब आयरन की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, आयरन की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो रूल के अकॉर्डिंग प्लस 8 होनी चाहिए, लेकिन होती है प्लस 6। समझ गए? कॉपर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 होती है, वैसे तो प्लस 1 होनी चाहिए, फर्स्ट बी का है। गोल्ड की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो होती है प्लस 3। तो ऐसा नहीं कि ये रूल हमेशा लग रहा हो, रूल फेल भी होगा, क्योंकि केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री वाला मिस्ट्री है, मिस्ट्री वाला रहस्य है, रहस्य को समझना पड़ेगा रहस्य को। लेकिन रूल से सहारा तो मिल रहा है, तो रूल पढ़ना भी जरूरी है और रूल कहां फेल हो रहा है वो जानना भी जरूरी है। अरे बोर की थ्योरी फेल हुई थी कि नहीं हुई थी? बोर ने बताया था सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, नोबेल प्राइज भी ले लिया। बाद में पता लगा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में होता है और ऑर्बिटल तो 3-डायमेंशनल रीजन है। फिर श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन बताई। ये कहानी पता है कि नहीं पता? क्यों एटॉमिक स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत कहानी तो पता होगी। लेकिन आज भी हम लोग बोर थ्योरी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि उसके कुछ फायदे भी हैं, अगर नुकसान है तो। समाज में चोरी होने के फायदे भी तो हैं, पुलिस नहीं तो बेरोजगार ना हो जाए। बताओ कईयों के पेरेंट होंगे पुलिस में, किसके पेरेंट है पुलिस में? समझ रहे बात को? वकील जज किस लिए हैं? और आज से थोड़ा ना है, रावण के जमाने से। ऐसा तो ना कि क्राइम जो है 10-20 साल से हुआ है, हजारों साल से क्राइम भी था, मतलब प्लस माइनस दोनों चीजें रहती हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो इसी तरह से अच्छाई बुराई हमेशा रहेगी, सिक्के के दो पहलू होते हैं, केवल अच्छाई नहीं हो सकती, केवल बुराई नहीं हो सकती। तो केमिस्ट्री में आपको कुछ रूल्स मिलेंगे जिनका आपको फायदा मिलेगा और उन रूल्स का कहीं कहीं नुकसान भी मिलेगा। तो बोर थ्योरी उसके फायदे भी हैं और बोर थ्योरी किसी एंगल से गलत भी है और किसी एंगल से सही भी है। आगे प्रोसीड करें। जैसे आपके पास कंपाउंड हो CrO5 और आपसे कहा गया इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, अब नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, क्रोमियम की एक्स मान ली, ओ की -2×5 बराबर 0 किया तो एक्स कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन जैसे ही पता लगा यार क्रोमियम की हाईएस्ट तो +6 होती है, ये 10 कैसे आ गई, इसका ना जरूर कहीं गड़बड़ हुई है, तो आप आंसर +6 बोल दो, ये गलत हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी तो होती है परऑक्साइड्स में, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर परऑक्साइड्स में -1 होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसका ये स्ट्रक्चर है। आपने स्ट्रक्चर जान लिया, अभी समझा नहीं रहे कैसे आया, स्ट्रक्चर लिख लो केवल, ये एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रक्चर। परऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है ऑक्सीजन की, क्या लिखेंगे, इन परऑक्साइड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1। व्हाट इज परऑक्साइड? ओओ लिंकेज, ओओ लिंकेज इज कॉल्ड परऑक्साइड लिंकेज। और हाइड्रोजन परऑक्साइड उसका बेस्ट एग्जांपल है कि नहीं है? हाइड्रोजन परऑक्साइड
और H2O2 का स्ट्रक्चर क्या है? सब जानते हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है यानी केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है हम लोग का। अब जरा चेक करो इस बॉन्ड को, देखो माइनस वन प्लस वन, इसको देखो माइनस वन प्लस वन, इसको देखो माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस टू प्लस टू, तो कितनी आ गई क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस सिक्स आ गई। तो स्ट्रक्चर से तो साबित हुआ, तो जिस दिन ये कंपाउंड की खोज हुई थी उसी दिन स्ट्रक्चर छोड़ना आ गया था। आपका नाम रखने में भी छठी का इंतजार किया था कि छह दिन हो जाए, उसके एनओ की दो तीन दिन में निपट जाए बच्चा, पहले उसको संभलने तो दो, स्टेबल तो होने दो। जब पता लगा छह दिन तक स्टेबल हो गया, अब भैया इसका नाम रख दिया जाए। फिर नाम रखने का भी एक पद्धति होती है, पूजा पाठ किया जाता है ना। इसी तरह से कंपाउंड की अगर खोज आज हुई है तो स्ट्रक्चर आने में सालों लग जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर इसका तय हुआ। तो इसमें कितनी परऑक्साइड लिंकेज हैं? दो। इसी तरह से एक कंपाउंड है H2TiO4, अब इसमें टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन नंबर, अगर नॉर्मल तरीके से निकालो जैसे हम लोग करते हैं, प्लस वन इंटू टू, टाइटेनियम की एक्स मान ली, ओ की माइनस टू इंटू फोर बराबर जीरो, एक्स कितना आ गया? सिक्स आया। लेकिन टाइटेनियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जरा गौर करो, ध्यान से देखो, टाइटेनियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर प्लस चार होती है, चार से ज्यादा होती ही नहीं है। ये आपको मैंने बताया और आपने उसको माना, उसको सिखाया मैंने कि कैसे प्लस चार, उसको जानना है। लेकिन इस कंपाउंड में ऐसे करने पर क्या आया? सिक्स आ गई, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कहां पे हो रही है? चारों ऑक्सीजन के हम लोग माइनस टू मान ले रहे हैं। भैया परऑक्साइड लिंकेज भी तो हो सकती है, तो अगर स्ट्रक्चर इसका नहीं पता है, छह आ रही है चार बोल दो। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर है H2TiO4 का, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको अभी जानने हैं, धीरे 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 करके आपको याद हो जाएंगे, सीख भी जाओगे। अभी स्ट्रक्चर केवल ड्रॉ कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री का मामला ऐसा है इसमें बार बार चीजों को आपने रिवाइज करना होता है, रहस्य बहुत है इसमें। ये अब जरा चेक करो इस स्ट्रक्चर से, टाइटेनियम कितने बॉन्ड बना रहा है? एक दो तीन चार, तो प्लस चार आ जाएगी। और H2TiO4 में ऑक्सीजन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2TiO4, अरे इसकी माइनस टू होगी, इसकी माइनस टू होगी, परऑक्साइड में माइनस वन होगी, एवरेज क्या आएगी? माइनस टू माइनस टू माइनस वन बटे चार, कितनी आ गई? माइनस 1.5। क्यों? एक तरीका बताया, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह वो तरीका लग जाएगा। स्ट्रक्चर तो सीखना ही है ना हम लोग को, समझ में आ गई बात। अब जैसे कंपाउंड आ जाए IRO4 का होल थ्राइस PO4, इसमें इरिडियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इरिडियम।
अरे पीओ फोर की तो पता होती है ना, माइनस तीन, कितना आ रहा है, नाइन आ रहा होगा। इरिडियम के एक्स मान लो, एक्स माइनस आठ इंटू तीन, और ये माइनस तीन बराबर जीरो, सॉल्व करोगे तो एक्स नाइन आ रहा होगा, और मैंने बताया था इरिडियम के हाईएस्ट नाइन होती है, तो आंसर इसका नाइन हो गया। समझ गए? कुछ आइडिया समझ में आया आपको? तो क्या आपको लग रहा है असाइनमेंट कुछ कर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा वगैरह, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला जो मामला है वो बता देते हैं, बस लिख देंगे, तो क्लास का टाइम काफी हो गया है, आप भी थक गए होंगे। द एन फैक्टर ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल और वन आयन इन द प्रोसेस। एन फैक्टर हमने पहले भी डिफाइन किया था, वो क्या डिफाइन किया था, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सफर्ड बाई वन मॉलिक्यूल या वन आयन, और अब कैसे डिफाइन किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड बाई वन मॉलिक्यूल या वन आयन। एक मॉलिक्यूल या एक आयन के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हो रहा है, वही एन फैक्टर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास ही तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।